सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। जैसा कि आपने देखा, मेरी बिल्डिंग के हर फ्लोर में सिर्फ बिल्लियों की टट्टी है। और ऐसी बिल्डिंग का इतना ख्याल रखा जाता है इस बिल्डिंग का, इसीलिए तो वो मुझे बाहर गाड़ी खड़ी नहीं करने देते। शोभा जो है उनकी बिल्डिंग की खराब हो जाती है ना। इतनी सुंदर बिल्डिंग, वेरी गुड यार, इम्प्रेस्ड। मैं सुबह सुबह नीचे जा रहा था कुछ स्प्राउट्स लेने के लिए। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। स्प्राउट्स की दाल की रेसिपी है ये, और बहुत लाइट होती है, बहुत हेल्दी होती है। मैंने एक बार पहले बनाई थी, फिर से बनाने वाला हूँ। और तो वही लेने नीचे जा रहा था, अच्छा फ्रेश दिमाग से, और क्या देख लिया, वाह वाह, मज़ा आ गया। और ये है वो भैया की दुकान। भैया वो स्प्राउट्स दे देना दाल बनाने के लिए, थोड़ा ये दे देना, थोड़ा ये दे देना। ऐसा भी होता है ना कि सारे नहीं मिक्स करने चाहिए, फिर कौन कौन से मिक्स कर सकते हैं। दाल बनाना, दाल हाँ, कोथा बोलते क्या बोलते हैं, ऐसा या नहीं जाता। ठीक है, इतना ही ये बनाता हूँ। थैंक यू दोस्तों। आपने देखा, ये 20 रुपये का मिला मुझे। वैसे तो जब मैं घर पे रहता था, मम्मी मतलब रात में भिगा देती है, तो वो सुबह तक स्प्राउट्स आ जाता है, पर अभी हमने भिगाया नहीं था, तो यहाँ से ले लिया है मैंने। और बहुत ही अच्छी इसकी रेसिपी बनती है। पकड़ लो एक को, बना दिया जाए आज। देसी है ना ये, है मज़ा आएगा। एक को पकड़ के हमको दे दो तो हम काम कर दें घर पे आज। बाय बाय, वेलकम बैक टू माय किचन दोस्तों। आज जैसा कि मैंने बताया, स्प्राउट्स की दाल बनाने वाला हूँ। आज ऑफिस नहीं गई क्योंकि कल उसका वैक्सीनेशन हुआ था, तो शी वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल। तो मैंने कहा कुछ लाइट अच्छा हेल्दी बनाते, तो ये रेसिपी आप ट्राई करो, बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत टेस्टी टेस्टी। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा तेल। दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये प्याज दोस्तों हमने छोटे छोटे काट के रख लिए थे, और बस इसमें छोटे छोटे प्याज काट के ये डाल दिया हमने। इसको ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। बस थोड़ा सा ऐसा ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट टाइप, थोड़ा अब इसका थोड़ा सा ये मतलब क्या ही बोलूँ, थोड़ा लाइट हो जाएगा इसका कलर। तो दोस्तों साथ में ही साइड में चावल भी लगा लेंगे। दोस्तों इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है प्याज का, तो इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मेरा ख़त्म हो गया है यार, अभी नीचे गया था अच्छा खासा खरीद के ले आता। दोस्तों जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा थोड़ा पक गया है, तो इसमें डाल देंगे हम टमाटर। दो टमाटर मेरे पास बड़े थे इसलिए मैंने दो लिए, अगर छोटे हैं तो आप तीन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें नमक डाल दूंगा। दोस्तों हमारे टमाटर गल रहे हैं, अब इसमें डाल दूंगा जीरा पाउडर, लाल मिर्च डाल दूंगा, हल्दी, मिर्ची भी डाल दूंगा दोस्तों इसमें एक। अब डाल दूंगा दोस्तों इसमें हमारे ये स्प्राउट्स, और इनको भी मिक्स कर लूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं डाली वो है हींग, क्योंकि ये जो स्प्राउट्स और ये सब रहेगा इससे गैस भरेगी, तो वो अभी डालूंगा जब पानी ऐड कर दूंगा। सीटी मारने से पहले थोड़ा हींग डालूंगा। थोड़ा सा गरम मसाला दोस्तों। दोस्तों पानी डाल दूंगा इसमें।
आप लोगों को पता ही है मेरी कुकर की सीटी खराब है, पूरा कुकर का ढक्कन खराब है, तो बस होप करूंगा सही से सीटी लग जाए। अगर सीटी लग गई तो तीन चार सीटी मारनी है और फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद ऊपर बढ़िया सा धनिए का गार्निशिंग, और बस खाओ चावल के साथ। चावल भी अपना ऑलमोस्ट रेडी है। मैं तुम्हारे लिए ये सब बना रहा हूँ बेब खाना, ठीक है? कि तुम्हें वैक्सीनेशन हुआ है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, और आजकल मैकडॉनल्ड से मंगा रही है। मैं देखा आपने कितनी मेहनत कर रहा था किचन में, और यहाँ देखो चुपचाप जोमेटो से मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर हो रहा है। व्हाट अ शेम, आई एम नॉट इवन रिकॉर्डिंग इट्स ऑन माय फेस। व्हाट अ शेम फॉर मी, आई डोंट वांट टू लाइक आलू टिक्की। आई एम नो, आई डोंट वांट टू ईट ना आलू टिक्की। आलू टिक्की वोंट वांट, नो आई डोंट वांट, देन डोंट ईट माय बर्गर। आई विल नॉट, योर बर्गर विल बी नॉन वेज बर्गर ना। What? This is not recording. Then why are you holding it? Keep it down. See. थोड़ा बाहर आया हूँ दोस्तों ड्राइव पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी होता है ना कुछ करने का मन नहीं करता है, मूड एकदम अजीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि अपने बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या मैं कुछ कम कर रहा हूँ, या मैं वर्थलेस हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। वैसे जो दिन होते हैं ना बहुत लो लग रहा है, मतलब बता नहीं सकता, मतलब और इतना फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, अजीब लग रहा है, मतलब किसी से बात सही से नहीं कर पा रहा था, आंचल से भी नहीं सही से बात कर पा रहा था। तो मैंने सोचा नीचे आ जाता हूँ और कैमरा खोल के शायद बात करूँ तो थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाए, शायद सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कुछ और चाहिए, कुछ चीज़ की कमी है। बोलने को भी नहीं है, पता है, मतलब थका हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है ना टायर्ड, कुछ करना नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है, ऐसी सी फीलिंग आ रही है, इतनी खराब है, मतलब मन कर रहा है बस गाड़ी उठा के कहीं चला जाऊं, रोड पे चलता रहूं तो क्या थोड़ा अच्छा लगेगा। सैटिस्फाइड नहीं हूं बिल्कुल, मन कर रहा है चीखूं चिल्लाऊं कुछ तोड़ूं। कोई बात नहीं, कल फिर उठेंगे, कुछ नया करेंगे। गुड नाइट।